श्री नारायण चरितामृत सुनीता पढ़ दो, आप तो पढ़ दो। मैं शुरू कर देना? हाँ हाँ शुरू तुझे कराओ। दंडौत वंदना जनक वार सर्व कला समरथ बोलन के प्रभु नानक दे कर फेरत फेरत प्रभु आया नानकी तब बेनती अपनी भक्ति आए। ओम बापू ओम नरेंद्र जी महाराज ओम बापू नंदा चोर झंडे की सदा श्री नारायण चरितामृत। पैराग्राफ उसका कम स्टार्टिंग यही सही है जो ये बापू जी के बेटे की कहानी है ना। बापू जी बिल्कुल ठीक है। ओम बापू नंदा चोर एक बार बापू भानुदास जी के सपुत्र सत्यवीर शर्मा शाम के समय अपने कार्यस्थल से वापस बड़ू गांव हिमाचल प्रदेश आ रहे थे। वह स्कूटर पर थे तभी अचानक किसी ने उन्हें रोका और चाय पीने के लिए 2 रुपए मांगे। सत्यवीर जी ने अपनी जेब टटोली और उसे 2 रुपए दे दिए। इसके पश्चात जैसे ही वह स्कूटर फिर से चलाकर घर जाने लगा वह रास्ता भूल गया। ना जाने किस अदृश्य शक्ति से सम्मोहित होकर वह एक अलग थलग से सुनसान रास्ते पर स्कूटर के ऊपर आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें नींद आ रही है। वह स्कूटर रोककर एक तरफ बैठे और वहीं सो गए। रात के 11 बज गए और सत्यवीर वैसे ही सर्दी में सोते रहे। उधर घर में सभी पारिवारिक सदस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन बापू भानुदास जी भी अपने परिवार से मिलने वहां गए हुए थे। सभी को चिंता होने लगी कि आखिर सत्यवीर कहाँ चले गए। इतनी देर में वहां पहाड़ी के पास सो रहे सत्यवीर को ऐसा लगा कि किसी ने बहुत गरजती हुई आवाज में उन्हें नींद से जगाते हुए कहा है उठ। जब सत्यवीर हड़बड़ाकर अपनी आंख खोली तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह उनके पिता बापू भानुदास जी महाराज की आवाज थी। वह तुरंत उठकर खड़े हुए और उन्हें बहुत सर्दी महसूस होने लगी। उन्होंने खड़े होकर आगे देखा तो उनकी रूह कांप उठी। आगे 3-4 कदम की दूरी पर एक गहरी खाई थी जिसमें गिरने पर बचने की कोई संभावना नहीं थी। तब ज्ञात हुआ कि स्वयं बापू भानुदास जी ने ही अचानक उन्हें नींद में लाकर स्कूटर गवा दिया, अन्यथा उनका उस खाई में गिरना निश्चित था। बाद में जब वह घर लौटे और बापू जी को सारा वृतांत सुनाया तब बापू जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाया करता है। ओम बापू भानुदास जी महाराज। वास्तव में हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। वहां सिद्धों कीरों जैसी सात्विक शक्तियों के साथ साथ तामसी शक्तियों का भी वास है। ऐसा ही किसी तामसी वृत्ति वाले शक्ति ने सत्यवीर से उन्हें उन 2 रुपए के साथ ही मानो उनकी जीवन ऊर्जा को ही छीन लेना चाहा था। इसलिए सत्यवीर एक अनजाने पहाड़ी रास्ते पर सरपट स्कूटर दौड़ा रहे थे। परंतु बापू जी के रहते यह किस प्रकार संभव था कि कोई उनकी संतान को हाथ भी लगा दे। इसलिए
सत्यवीर को ठीक उसी समय नींद आई जब खाई तक पहुंचने में 2-3 कदम ही शेष थे। साक्षात ईश्वर तुल्य योगी के आगे कोई तामसिक शक्ति कुछ नहीं कर सकती। असंभव और अकल्पनीय जैसा कोई भी शब्द उनके शब्दकोश में नहीं होता है। एक बार बापूजी दिल्ली में किसी शादी में गए हुए थे। वहां रुद्रपुर के पास स्थित एक शहर किच्छा निवासी श्री ओम तेरीजा भी आए हुए थे। उनकी 3 बेटियां थी और तीनों ऑपरेशन से पैदा हुई थी। ओम और उनकी पत्नी पूनम ये चाहते थे कि उन्हें पुत्र प्राप्ति भी हो, परंतु डॉक्टर ने उन्हें और संतान पैदा करने के लिए मना किया था। ओम तनेजा के मामा श्री बापू हर भगवान जी महाराज ने ओम तनेजा के लिए बापू भानुदत्त जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज जी इस पर दया कीजिए। यह सुनकर बापू जी ने कहा, चिंता मत करो, इन्हें 2 पुत्र होंगे। उस समय ओम तनेजा ने सोचा कि डॉक्टर तो एक संतान के लिए भी मना कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है। ओम तनेजा को बहुत शीघ्र ही अपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। समय आने पर उन्हें 1 नहीं अपितु 2 जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति हुई। ओम बापू भानुदत्त जी महाराज की सदाए जय। बापू जी ने कुछ ऐसी ही कृपा जलंधर निवासी कश्मीर लाल अरोड़ा और उनकी पत्नी रेनु पर भी की थी। कश्मीर लाल के कोई संतान नहीं थी। उनकी माता जमुना देवी उन्हें बापू भानुदत्त जी के पास लेकर गई और बापू जी से कृपा करने की प्रार्थना की। बापू जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिंता बिल्कुल नहीं करनी, अभी तो बच्चों की लाइन लगनी है। बापू जी का यह वचन बहुत ही शीघ्र फलीभूत हुआ। रेनू ने अगले 9 महीने में 1 पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद उन्हें 1 पुत्री हुई। वह पुत्री अभी 1 वर्ष की भी नहीं थी कि उन्हें 2 जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति हुई। जमुना देवी के दूसरे पुत्र जगदीश लाल और उनकी पत्नी सुनीता के भी संतान नहीं हो रही थी। जमुना देवी उन्हें भी बापू जी के पास लेकर गई और बापू जी के आशीर्वाद देने के 9 महीने बाद ही उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। इसके बाद जब सुनीता दोबारा गर्भवती हुई तो जगदीश लाल उन्हें लेकर बापू जी के पास आए और पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते हुए उनसे पुत्र होने की दवाई मांगी। महाराज जी बोले, दवाई का समय तो निकल चुका है, परंतु तुम चिंता ना करो, हम बापू जी से दुआ करेंगे। दुआ दवा से अधिक शक्तिशाली होती है। जब तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा तब तुम अखंड पाठ रखवा देना। बापू जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जगदीश लाल के घर बेटा हुआ और उनके जन्म पर अखंड पाठ भी रखवाया गया। जमुना देवी की सभी संतानों पर ही बापू जी की कृपा रही। एक बार बापू भानुदत्त जी मैथपुर गए हुए थे और उन्होंने वो नंदाचौर वापस आने के समय जमुना देवी के पुत्र गुरबख्श लाल अरोड़ा भी बापू जी के साथ जा रहे थे। रास्ते में बापू जी ने गुरबख्श लाल से कहा कि तुम्हारे जिस चबारे में बापू शारदा राम जी आकर ठहरा करते थे उस पूरे स्थान को तुम संगत को बापू जी के लिए मंदिर के लिए दे दो। गुरबख्श लाल यह सुनकर सोचने लगे कि इस स्थान पर तो एक साधारण सा चौबारा है, यहाँ भव्य मंदिर निर्माण कौन कब और कैसे करेगा। बापू भानुदत्त जी तो यह कहकर कुछ ही महीनों में ज्योति जोत समा गए। तत्पश्चात सन 2001 में बापू हर भगवान जी की कृपा से उस स्थान पर संगत में भव्य मंदिर का निर्माण करो। जमुना देवी की छोटी पुत्री सरिता का जन्म का जीवन भी बापू भानुदत्त जी की आशीर्वाद से सुखमय बना। जब सविता का विवाह हुआ तब उनके ससुराल वालों पर कुछ आर्थिक संकट था। एक बार सविता के भाई गुरबख्श लाल ने दुखी होकर प्रार्थना की, बापू जी आप मेरी बहन का जीवन सुखमय कीजिए। बापू जी ने सुनते ही कहा, घबराता क्यों है, सब ठीक हो जाएगा। बापू जी के मुख कमल से यह शब्द निकलते की देर थी कि सविता के घर वालों के सारे आर्थिक संकट दूर होते चले गए। आज की तारीख में उनके 2 बड़े शोरूम हैं और वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं।
यमुना देवी की सभी संतानें बापू जी की कृपा से दरबार के सेवा कार्यों में पूर्ण श्रद्धा और लगन से कार्य करती हैं और उनके संपूर्ण परिवार पर बापू जी की अपार कृपा है। ओम बापू हर भानुदत्त जी महाराज नंदा चोर दरबार की एक विशेषता है यह भी है कि जब बापू जी के दर्शनों के बाद दरबार में हाजिरी लगाकर संगत वापस जाती है तब बापू जी के आशीर्वाद लेकर ही अपने अपने घरों को प्रस्थान करती है। बापू जी के आशीर्वाद का दिव्य कवच पहनकर जब संगत के लोग वापस जाते हैं तो उनके मनों में यह धारणा दृढ़ होती है कि वह बिल्कुल सही सलामत अपने निवास स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए बापू जी से छुट्टी लिए बिना संगत प्रस्थान नहीं करती। एक बार 1995 में जून के यज्ञ में रामराज उत्तर प्रदेश से संगत की एक बस आई थी। उस बस में कई भक्त थे जिसमें रामराज से विजय अरोड़ा, मीता डींगरा और हसीनापुर से भगत जगदीश भी थे। विजय और मीता भाई बहन थे और जून के यज्ञ में सम्मिलित होने गए हुए आए थे। यज्ञ की पूर्ण होती के बाद दूर दूर से आए भक्तों ने बापू जी से आज्ञा लेकर अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। रामराज से आई बस के मालिक को ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत देर हो रही थी। उसने कुछ देर बाद बापू जी से आज्ञा लेने की। जब उसे ऐसा लगा कि रात हो गई है और आज्ञा लेने में समय भी लग सकता है तो वह बिना आज्ञा लिए ही वह बस को लेकर निकल पड़ा। संगत के कुछ व्यक्तियों ने इस बात पर आपत्ति भी की परंतु वह फिर भी बस को लेकर चला गया। कुछ दूर जाने पर ड्राइवर रास्ता भटक गया और बस को एक सुनसान रास्ते पर ले गया जो एक जंगल की ओर जाता था। यह देखकर संगत घबराने लगी और सोचने लगी कि यह सब बिना आज्ञा लिए चलने का ही परिणाम। सभी भक्तों ने बापू भानुदत्त जी से मन ही मन क्षमा मांगनी और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इतनी देर में रास्ते में उन्हें एक वृद्ध नजर आया। उनकी आयु 75-80 वर्ष की थी। उसके पास एक लालटेन भी थी। वह एक लाठी के सहारे चल रहा था और उसे चलने में बहुत कष्ट भी हो रहा था। उसे देखकर ड्राइवर ने बस रोककर पूछा कि बाबा जी क्या आप हमें जीटी रोड पर जाने का मार्ग बता सकते हैं। बात सुनकर उस वृद्ध ने हां में सिर हिलाया और बहुत खुशी से बस के आगे आगे भागने लगा। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो वृद्ध लाठी के सहारे भी बहुत कठिनाई से चल पा रहा था वह एकदम इतना चुस्ती से बस के आगे आगे कैसे भाग रहा है। उस वृद्ध ने बस को जीटी रोड पर पहुंचा दिया। तब ड्राइवर ने उसका धन्यवाद करने के लिए बस को रुका। उस वृद्ध ने बस वालों से कहा लगता है आप सब किसी सत्संग से वापस आ रहे हैं। लोगों के हाँ कहने पर उसने पूछा कि तो आपके पास लंगर का प्रसाद भी होगा, आप उसमें से थोड़ा सा प्रसाद मुझे दे दें। अच्छा, लंगर का प्रसाद तो था ही। उनने कुछ रोटियां और दाल उस वृद्ध को दी और उसका हार्दिक धन्यवाद करते हुए बस में बैठ गए। बस स्टार्ट करते ही कुछ लोगों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई वृद्ध ही नहीं था। दूर दूर तक के खाली सड़क के सिवाय कुछ भी नहीं था। लोग समझ गए कि यह तो बापू जी स्वयं ही उनका मार्गदर्शन करने आए थे। इस घटना से भक्तों का यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि नंदाचोर से जाने से पहले बापू जी की आज्ञा लेकर जाना नितांत आवश्यक है। इस घटना बापू नंदाचोर वाले आपकी सदा, बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा। इस घटना के कुछ दिनों बाद के बाद रामराज से कुछ भक्तों उस दिन बस में सवार थे नंदाचोर बापू भानुदत्त जी के दर्शन करने हेतु आए। उन्होंने देखकर बापू जी ने कहा तुमने हमारे पैर खाड़ी लगा दिए
तुमने हमारे पैर झाड़ियों में छिलवा दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए हमने तुम्हें सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया। विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि नंदा चोर जाने से पहले बापू जी की आज्ञा लेकर जाना नितांत आवश्यक है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद रामराज से जो उस दिन बस में सवार थे नंदा चोर बापू भानुदत्त जी के दर्शन हेतु आए। उन्हें देखकर बापू जी ने कहा, तुमने हमारे पैर झाड़ियों में छिलवा दिए, पता नहीं कहां कहां से होते हुए हमने तुम्हें सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया। बापू जी सुनकर उस दिन बाद फिर आए भानुदत्त जी महाराज। आपकी तरह आए नहीं, मतलब जो कोई संगत उन्होंने को दरबार दे तो उन्होंने दस्या उन्होंने भी उस दिन मैं थानू किस तरह नाल मैं झाड़िया जो लै लै कर सीधे रस्ते लगाया सी, ये दस्या दोबारा नहीं ओदी गल सुना रही। माई हां संगत जो आई ना उस पिंड दी राम राज दी शहर दी रामराज से ही आए हुए थे ना। हाँ जी, तो हाँ रामराज जा रही थी बस तो वही में। अच्छा वाह, उसी जो सवार थे उसी उन्हीं को बता रहे भी उस दिन देखो। वाह, बापू जी की यह बात सुनकर उक्त भक्त बहुत हैरान हुए, क्योंकि अभी तो उन्होंने यह बात बापू जी से करनी थी कि उस दिन उनकी कृपा से ही वह सब लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे थे, और बापू जी ने तो उनके कुछ कहने से पहले ही सारा रहस्य प्रकट कर दिया था कि उस दिन स्वयं उन्होंने ही उन सभी भक्तों को सही मार्ग पर पहुंचाया था। बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा बापू जी तो इतने दयालु थे कि बिना कहे ही अपने भक्तों का सारा हाल जानते थे। सिरसा निवासी मुकेश रानी बापू जी की भगत थी। विवाह उपरांत उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक वर्ष के ही उन्हें अपनी पुत्री के साथ वापस मायके आना पड़ा। आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने एक विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया। इसके कुछ समय पश्चात उनकी पुत्री को पोलियो हो गया। मुकेश जी की आय बहुत कम थी, सारा धन बेटी के इलाज में ही चला जाता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, फिर भी वह बापू जी के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए अपना कर्तव्य निभा रही थी। सच्चे भक्तों की यही निशानी है कि दुर्दिन आने पर उनका विश्वास ईश्वर से रत्ती भर भी कम नहीं होता। सच्चे भक्त ये जानते हैं कि सुख और दुख इस शरीर के ही कर्म भोग हैं, जो भोगने ही पड़ते हैं। ईश्वर सदृश गुरु की कृपा से प्रारब्ध कर्मों का जोर कम हो जाता है। मुकेश जी यह सब भली भांति जानती थी, इसलिए वह जीवन के रण क्षेत्र में दृढ़ता से जमी हुई थी। कुछ वर्ष बीत जाने पर विद्यालय में सरकारी पद मिलने का मौका आया। एक ही पद के लिए दो उम्मीदवार थे, एक मुकेश और दूसरी एक अन्य अध्यापिका जो अनुभव में मुकेश से वरिष्ठ थी। बापू जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वह सरकारी पद मुकेश जी को ही मिला। उस अध्यापिका से यह सहन नहीं हुआ और उसने विद्यालय के प्रबंधक और मुकेश जी को धमकियां देनी शुरू कर दी। मुकेश जी बापू जी से मन ही मन प्रार्थना करती रही और इस प्रकार 3 महीने बीत गए। विद्यालय प्रबंधक ने निर्णय लिया कि कोर्ट केस से बचने के लिए और विद्यालय की शांति बनाए रखने के लिए सरकारी पद उस अध्यापिका को दे दिया जाए। जिस दिन प्रबंधक ने मुकेश जी को ऐसा करने के लिए कहा, उनका मन हताशा और निराशा से भर गया। घर आने के पश्चात वह फूट फूट कर रोने लगी
और रोते रोते ही उन्होंने बापू भानुदास जी को पत्र लिखना शुरू कर दिया। उनका पत्र आंसुओं से पूरी तरह भीग गया था और कोई भी अक्षर स्पष्ट या पढ़ने लायक नहीं था, परंतु अंतर्यामी बापू जी तो सभी के मन की बात पढ़ने में समर्थ हैं। मुकेश जी ने वही आंसुओं से भीगा पत्र भरी दोपहर में पैदल चलकर 1 किलोमीटर दूर स्थित मुख्य डाकघर में पोस्ट कर दिया। 2 दिन बाद विद्यालय प्रबंधक ने मुकेश जी को कहा कि तुम्हें यह पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह अध्यापिका यदि कोर्ट केस करती है तो करने दो। यह सुनकर मुकेश जी प्रसन्न हो गए और बापू जी का मन ही मन धन्यवाद करने लगे। जब वह दोपहर 2 बजे विद्यालय से वापस आई तो परम पूज्य बापू जी की का जवाबी पत्र मिला। जब मुकेश जी ने उस पत्र को खोल कर पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गई और वह अंदर तक रोमांचित हो गई। बापू जी ने पत्र में जो शब्द लिखे थे वह अक्षरशः वही शब्द थे जो उसी दिन सुबह 10 बजे विद्यालय प्रबंधक ने कहे थे। बापू जी की ऐसी लीला थी कि उन्होंने दूर बैठे ही उस प्रबंधक के हृदय पलट पर वही शब्द अंकित कर दिए। सारे बिना किसी गुंडिया फेर देते थे बापू जी, सारे ने गुंडिया फेर देते अंदरों अंदर गुंडिया फेर देते। इसके पश्चात उस अध्यापिका ने भी धमकियां देनी बंद कर दी। बापू भानुदत्त जी के आशीर्वाद से मुकेश जी की नौकरी पर आया संकट टल गया। बापू जी ने उनकी पुत्री पर भी बहुत कृपा की और आज बापू जी के आशीर्वाद से उनकी पुत्री उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक महाविद्यालय में कार्यरत है। ओम बापू नंदा छोर पवित्र होए सुंदर पवित्र होए जिस तेरा नाम आए बसे बैकुंठ पर पद पावे जिस तेरा नाम आए। ओम बापू नारायण दास जी महाराज की सदा जय। बापू भानुदत्त जी की कृपा हमारे परिवार पे भी हुई थी, मेरे दोनों ब्रदर्स की मैरिज पे वो घर पे आए थे हमारे घर आए। बहुत सुंदर मैंने भी बहुत अच्छी तरह बड़े प्रेम से उनके दर्शन किए हुए हैं। उनको एक बार तो प्रभु ने ऐसी कृपा की थी, देखो उनकी शक्ति का ऐसा कि हम ना डिप्टी कमिश्नर मलकीत सिंह कहले थे होशियारपुर में, 85 की बात बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 85-86 की बात, तो वहां पे मिलने गए मेरे मित्र हैं, तो उनको जानते थे डीसी, वो एम्बेसडर बने बाद में, तो वो जो डिप्टी कमिश्नर चारपुर में मिल रहे थे तो हमने उन्होंने पूछा भी कहाँ जा रहे हो इस वक्त, मेरे मित्र ने बताया, हमने बताया भी अंदाज और जा रहे डेरे पे, तो कहता मैं भी चलूंगा। तो फिर वो डीसपी साथ में आया तो सारी उसकी जो साथ में सिक्योरिटी हो रही हो तो महाराज साहब ऊपर बैठे थे, तो मैं महाराज साहब को जाकर बताया ऊपर, फिर नीचे आए मिले उनसे महाराज साहब ऊपर, धूप थोड़ा सा धूप का टाइम था, सर्दियों का वक्त था, ऊपर वैसे पढ़ रहे थे। हाँ जी बापू इनके बड़े सुंदर दर्शन और बड़े अच्छे अच्छे इनके दर्शन हुए, उनका बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बापू भानुदास जी का कृपा बनी रहे, बापू भानुदास जी का करिश्मा हमारे घर में भी, मतलब जैसे बापू श्रद्धा राम जी से मेरे मम्मी पापा ने भी नाम लिया हुआ था, जैसे बदलती है तो थोड़ा सा संगत डावांडोल होती है, एज इट इज ऐसे हमारे मम्मी पापा का भी थोड़ा सा मन डावांडोल था। तो मेरे ब्रदर हैं छोटे वाले, जो उनको जैसे कोई कहते हैं ना टूना सा टाप जाते हैं, ऐसे वो टूने के ऊपर से मतलब टाप गए थे, तो वो बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, हाथ जोड़ते थे, मतलब बहुत गलत हो रहा था,
तो वो हमने हाँ। दिल्ली में सब डॉक्टर्स हर जगह जलंधर वगैरह सब जगह घूमे, तो हमको सब डॉक्टर्स को किसी को समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद किसी पीर फकीर ने ऐसे हमको बोल दिया कि आपके गुरु पूर्ण है, आप उधर क्यों नहीं जाते हो। तो फिर हम बापू भानु से उस टाइम गद्दी नशीन नए नए हुए थे, तो मेरे मम्मी पापा वहां गए, तो बापू भानुदत्त जी ने 40 दिन मेरे भैया को और मेरे मम्मी को नंदा चोर दरबार में हवन पे बिठाया। उसके बाद से मेरे भैया बिल्कुल ठीक है, आज तक बिल्कुल है। ओ बापू भानुदत्त जी महाराज, महाराज आपकी सदा सदाए। बहुत सुंदर। चलो मुझे हुक्म हुआ है, ये मेरे घर परमेश्वर आया, मैं बलिहार जानिया है, तो वो सुनाता हूँ। माता जी की रचना बड़े सुंदर और बड़ी रीज होती थी, जब संत जन आते थे घर पे तो इतना प्रेम से जो उनको जो सेवा करनी, जो इतना प्रेम आ जाना उनमें, ये हम में भी ऐसा आए, ये हमारी प्रार्थना प्रभु से। मेरे घर परमेश्वर आया, मैं बलिहार जानिया। एक लाइन मैं पढ़ूंगा, एक लाइन आप सब पढ़ो, मजा आएगा। और ओम बापू शादा राम महाराज सब संत मेरे घर परमेश्वर आया, मैं बलिहार जानिया। मेरे घर परमेश्वर आया, मैं बलिहार जानिया। जी मैं सतगुरु दर्शन पाया, मैं बलिहार जानिया। जी मैं सतगुरु दर्शन पाया।